नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत मित्रा और आप देख रहे हैं एसके इलेक्ट्रॉनिक्स का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे एक माइक्रोफोन का जो कि कॉर्डलेस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों चलिए, ये आज सेनाजर का जो माइक्रोफोन है इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं अंदर में क्या क्या है। तो ये आपने खोल लिया अभी। सबसे बड़ी जो यूनिट है वो है इसका रिसीवर यूनिट। इसका पॉलिथीन के अंदर ये देखते हैं, ये हमने अभी खोल लिया है और देखिए ये एग्जैक्टली कैसा दिखता है, ये इसमें क्या क्या है। इसमें सिंक्रोनाइजेशन का है, एस्केप का है और रीसेट के लिए है, और ये फ्रीक्वेंसी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, और ये पावर ऑन ऑफ के बटन है। एंड द बैक साइड में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर माइक्रोफोन का इन होगा। ये दो पॉइंट जो है ये बेसिकली एंटेना के लिए दिया हुआ है और ये डेटा के लिए दिया हुआ है, और ये आपका बैलेंस या अनबैलेंस P38 जैक लगेगा यहाँ पर। अभी इसको साइड में रखते हैं थोड़ा। अच्छा, इसके अंदर ये एक माइक्रोफोन होल्डर दिया हुआ है। सेकंड अभी देखते हैं, ये बैटरी दिया हुआ है, इसके साथ ये प्लग का दिया हुआ है और ये एंटेना है और ये छोटी सी कॉर्ड है। अभी माइक्रोफोन को खोल के देखते हैं माइक्रोफोन कैसा है। तो ये माइक्रोफोन अभी असेंबल्ड नहीं है, इसको असेंबल्ड करना पड़ेगा। ये दो पार्ट में आता है ये माइक्रोफोन, ये उसका अपर पोर्शन है, दिस इज द लोअर पोर्शन। और इस माइक्रोफोन में ये यहाँ से आप उसका सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है सेट कर सकते हैं। अभी खोलने के बाद ऐसा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बैटरी का चैम्बर है ये साइड में, यहाँ पर आप सिग्नल रिसेट कर सकते हैं। तो इसको चलिए लॉक करते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है सेनाजर का G4 सीरीज है, ये EW G4 सीरीज है। अभी देखते हैं इसका जो हेड है, वो ये हेड का देखिए कंस्ट्रक्शन ऐसा है, और ये हेड ऐसी इस तरह से फिट हो जाएगा इसके अंदर। ये हो गई कंप्लीट फिट। अभी ये माइक्रोफोन ऑन करने लायक हो गया है। इसके साथ और भी दिया हुआ है कुछ, इनका इंस्ट्रक्शन पेपर्स है और बैक प्लेट दिया हुआ है जो मेटल की बनी हुई है, वो आप इसके साथ फिट कर सकते हो एज ए, आप इसको रखने के लिए फिट कर सकते हो ये चीज। तो चलिए इसको थोड़ा भी ऑन करके देखते हैं कि इसका डिस्प्ले जो है कैसा दिखता है। तो चलिए दोस्तों, ये यूनिट को अभी हम लोग थोड़ा ऑन करके देखते हैं कि इसका डिस्प्ले एग्जैक्टली कैसा दिखता है। अभी ऑन करने के बाद ये सेनाजर का लोगो है पहले, इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी वगैरह आ गया है। यहाँ पर देखिए 1 और 2 और पिक का दिया हुआ है कि ऑडियो AF मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है और RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये 1 और 2 है, आप इसके अंदर इसको चेंज करके ऊपर नीचे करके आप इसका ऑडियो फ्रीक्वेंसी विद द माइक्रोफोन आप इसको सेट कर सकते हो। अभी ये म्यूट में है क्योंकि माइक्रोफोन अभी चालू नहीं है, इसके लिए ये म्यूट दिखा रहा है। और ये एंटेना है, दोनों एंटेना, और G4 का दिखा रहा है। अभी मेगाहर्ट्ज कितना में है, 7342 मेगाहर्ट्ज पे है ये, इसको आप ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हो। अभी हम लोग ये माइक्रोफोन को और जो रिसीवर यूनिट है उसको हम लोग थोड़ा सिंक्रोनाइज करेंगे, और सिंक्रोनाइज का जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंक्रोनाइज का बटन है, ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पर सिंक्रोनाइज लिखा हुआ है। इसको हम लोग पहले दबाएंगे तो ये सिंक्रोनाइज आ जाएगा लिखा हुआ, और यहाँ पर ये ब्लू लाइट आ जाएगा। ब्लू लाइट आने के बाद हम इसको, ये एक्चुअली हमारा ऑन है, देखिए ये माइक्रोफोन ऑन है। अभी इसको हम लोग सिंक्रोनाइज करेंगे इसके साथ। अभी ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया और ये सिंक्रोनाइज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से माइक्रोफोन का आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद ये दोनों का फ्रीक्वेंसी जैसे मैच हो जाएगा आप इसके साथ बोल सकते हो। अभी मैंने ये बोलना चालू किया है, देखिए ये वाला ब्लिंक कर रहा है ये पोर्शन में, लेकिन अभी ये कोई स्पीकर के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये सिग्नल बता रहा है कि दोनों का सिंक्रोनाइजेशन हो गया, अभी ये माइक्रोफोन ऑपरेशन के लिए रेडी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में।